वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:15 हो रहा है। एज यू कैन सी ये 2:15। आज मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे, तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे वर्क एरिया पे। मेरे को ऑफिशियल वर्क था तो वही मैं कंप्लीट कर रही थी अभी मैं बैठ करके। एंड मुझे अभी याद आया कि मुझे व्लॉग भी तो करना है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और आज मैं कुछ स्पेशल इन द सेंस मैं आप लोगों को दो दिन से मैंने कुछ ऐसा सच आर्ट वर्क नहीं दिखाया आपको, तो मैं आप लोगों के साथ एक DIY भी शेयर करूँगी जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो अगर आपको जानना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये कल वाला ही टी शर्ट पहना हुआ है क्योंकि मैंने अभी जो है शावर नहीं लिया है। मैं इवनिंग शावर लूँगी क्योंकि आफ्टर वर्कआउट स्वेट ज़्यादा होगा, तो मैं शाम को ही नहा रही हूँ मैं। तो यही है, अब मैं फटाक से जो है ये कंप्लीट करती हूँ, जितना भी हो पाएगा उतना कर लूँगी, देन मैं जो है आप लोगों के साथ वो DIY शेयर करती हूँ। तो फिर या आप मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ। मुझे कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए थे बट उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं है तो वो ऐड ऑन करने थे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मतलब ऑनलाइन या बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे खुद से ही मतलब वो टॉपिक्स जनरेट करने होते हैं। तो वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये डायरी है जो जिसमें मैं अपना सारा जो है ऑफिशियल वर्क नोट डाउन करती हूँ और चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस वही एडिट करूँगी थोड़ा सा, फिर जो है तब तक जो है अभी लंच नहीं प्रिपेयर है, तो लंच रेडी हो जाएगा फिर हम लंच कर लेंगे और फिर मैं आप लोगों के साथ DIY के साथ आप लोगों से बात करती हूँ। सो या ये अभी तो यही है, ये बोरिंग वाला काम मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कैसे कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टर लंच, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, देन मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, विच इज़ DIY। और बहुत दिनों से मेरा मन था मैं जो है ये करूँ, तो मैं आज वो करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय। सो या मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए DIY लेकर के, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको दिख ही रहा होगा, मेरे पास है ये कार्डबोर्ड जो कि मैं अभी कहीं से ऐसे जुगाड़ करके लेके आई हूँ, तो इसमें बहुत सारी डस्ट है। इसको हम कट करेंगे जो भी डिज़ायर शेप हमें चाहिए। पहली बात हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं कैनवस, आपको जैसे पता ही है, बट उस टाइम पे मैंने जो है आयरन करके किस तरीके से कैनवस क्रिएट करना है वो बताया था, और अभी मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से हम विदाउट आयरनेबल फ्यूज़न यूज़ करके हम सिंपल फ्यूज़न जो हमें मार्केट में मिलती है वो वाला, क्योंकि मेरे पास वो जो आयरन वाला फ्यूज़न है वो फिनिश हो चुका है तो वो नहीं है, बट मेरे पास ये बहुत साल पहले ये मैं लेके आई थी, बहुत टाइम पहले जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट भी नहीं किया होगा तब का ये मेरे पास रखा हुआ है। तो ये है जिसमें आप आयरन करके पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ मेरे पास है। इसको हम ग्लू की हेल्प से किस तरीके से कैनवस बनाते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको ऐसा शेयर कर रही हूँ, तो स्टे ट्यून किस तरीके से हम बनाते हैं। उसके बाद जो पेंटिंग होगी वो सारे मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यार स्टार्ट करते हैं। पहले इस कार्डबोर्ड को मैंने क्लीन कर लिया, जो भी डस्ट था वो हमने निकाल लिया है, बट कुछ कुछ है अभी भी डस्ट इसमें। तो मैं क्या करूँगी, अभी जो नॉर्मल शेप होता है कैनवस का जो मुझे चाहिए, जो मेरे को नीड है वो शेप में पहले इसको कट कर लूँगी, और जितने भी मेरे पास यहाँ पे होंगे मैं मतलब जितने भी इससे निकल सकते हैं कैनवस के पीसेस वो मैं कट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 10x10 का जो है बॉक्स कट किया हुआ है।
don't have this kind of tape, then what you're gonna do is just glue it up and secure it properly. But I don't have this tape along with me, so I'll use this only. ओके सो लास्ट आपने देखा कि मैंने कट कर दिया, फ्यूज़न जो है पेस्ट आउट कर दिया था। यहाँ पे मैंने जो है इसके ऊपर जेसो जो मैंने बना के रखा हुआ था, DRY जेसो, ये वाला जो मैंने बनाया था, आप लोगों को अगर याद हो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसका लिंक दे दूँगी कि कैसे बना है, और इवन दो कैनवस कैसे क्रिएट करते हो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ईजिली बना सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो है मैंने इसके ऊपर 2 coats जैसो कर दिया है, तो जिससे कि अभी ये थोड़ा सा ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। ड्राई होगा उसके बाद हम इस पर पेंट स्टार्ट करेंगे। तो पेंट तो मैं जो है नाइट में ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लेट नाइट ही स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि मेरे पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है। टाइम ही टाइम है, खैर हाल फिलहाल तो टाइम ही टाइम है, बट स्टिल जो है एक शांति वाला माहौल जो होता है ना, एकदम पीसफुल, वो चीज़ मुझे जो है ना नाइट में ही मिल पाती है। तो वो मैं जो है कंटिन्यू करूँगी नाइट में ही। सही, इस तरीके का टेक्सचर आ गया है इस कैनवस में और बैक साइड कुछ ऐसा है। तो ये 3 कैनवस मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इसके लिए मैं जो है कुछ स्केचेस बना रही हूँ अभी बैठ करके, तो मैं वो बनाऊँगी, देन मैं आपसे मिलती हूँ अब कल, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम है 4:22, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये DIY अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर करिएगा, और आप लोग भी शेयर करिएगा अपना डे कैसे स्पेंड कर रहे हैं मेरे को कमेंट करके, और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। सो या जो लोग नए हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग आर्ट रिलेटेड वीडियोज़ मैं इसमें पोस्ट करती हूँ। तो कल